नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से मणिपुर में और हिंसा ना हो यह सुनिश्चित करने को कहा। प्रियंका गांधी का वायनाड से पॉलिटिकल डेब्यू, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी, वायनाड से प्रियंका लड़ेंगी चुनाव। पीएम मोदी ने अमेरिकी एनएसए सुलिवन को दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का दिया आश्वासन। मजबूत वैश्विक संकेतों से रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स 355 की बढ़त के साथ 77,347 पर पहुंचा, निफ्टी 23,573 के स्तर पर पहुंचा। पीएम मोदी की किसानों को बड़ी सौगात, वाराणसी में किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे पीएम मोदी, 9.3 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2,000 रुपए की किश्त। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। कामा में किराना स्टोर की दुकान में अवैध रूप से बेच रहे पेट्रोल डीजल में लगी भीषण आग, गाँव में मची अफरा तफरी, लाखों रूपए का सामान जलकर हुआ खाक। मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर में श्रद्धालु और पुलिसकर्मी के बीच हुई मारपीट, मंदिर में जमकर हुआ हंगामा। इस्तीफे पर बोले किरोड़ी, जहां मैं बैठता हूं वहीं ऑफिस शुरू हो जाता है और अधिकारी वहीं आ जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान का विधायक पद से इस्तीफा, वीडियो संदेश में कहा यह अत्यंत भावुक पल है। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। बेटी राह का हाथ थामे चले रणबीर कपूर, आलिया ने शेयर की फोटो। मुंजा ने मैदान के लाइफटाइम कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड 50 करोड़ के पार। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, अफगानिस्तान को 104 रन से हराया, पूरन ने 98 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीता आखिरी मैच, फगर्यूसन ने चारों ओवर मेडन डाले। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। फिर टॉप पर पहुंचे एलन मस्क, नेटवर्थ में 56 करोड़ रुपए का इजाफा। LG इलेक्ट्रॉनिक शेयर धारकों को देगी 6.52 करोड़ डॉलर का लाभांश। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत, 5 घायल। इटली के पास जहाज डूबने से 11 की मौत, 60 से ज्यादा लापता। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें, और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से जाकर हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।